हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, गोरखपुर में लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की कोई नई छूट नहीं, 3 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई महानगर के वरिष्ठ चिकित्सकों की बैठक। कोरोना की जंग में चिकित्सकों के सहयोग करने की अपील। कहा, आरोग्य सेतु ऐप के डाउनलोड के साथ टेली मेडिसिन को प्रभावी करने की है जरूरत। कमिश्नर डीआईजी डीएम एसएसपी ने संत कबीर नगर से सटे बॉर्डर पर किया निरीक्षण। बाहरी व्यक्तियों को जिले में प्रवेश पर रोक लगाने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 90% निःशुल्क राशन का किया गया है वितरण। जल्द ही प्रति कार्ड मिलेगा 1 किलो दाल और चना। रमजान के मौके पर फलों की डोर टू डोर सप्लाई के लिए फल ठेला विक्रेताओं को 1 महीने के लिए जारी किया गया पास। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा महानगर में लगाए गए अवैध होल्डिंगों के खिलाफ चला अभियान। काली मंदिर से यातायात कार्यालय तक हटाया गया अवैध होल्डिंग। सब्जी विक्रेता के आकस्मिक मौत का सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने लिया संज्ञान। मृतक सब्जी विक्रेता की पत्नी को दी 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर के डीजल लॉबी में स्थापित किया कॉन्टैक्ट लेस सैनिटाइजर सिस्टम। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा शनिवार को भी लोगों में वितरित किया मास्क एवं लंच पैकेट। लॉकडाउन का पालन एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील। और शनिवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। सड़कों पर अनावश्यक घूमने वालों लोगों को 1-1 मीटर की दूरी के घेरे में बैठाकर दी गई सजा, फिर उन्हें छोड़ा गया निजी मुचलके भराकर। पुलिस अब करेगी विधिक कार्रवाई।